मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के ऑनलाइन अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ महतारी पर चित्र माल्यार्पण एवं राज्य गीत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन 21 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अंतरित की गई इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को भुगतान की जा रही 4 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 8 करोड़ एवं स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ रुपए की लाभांश राशि तथा गौठान समितियों में पदाधिकारियों के मानदेय की राशि 1 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। हमारे प्रदेश में गौठानों में भरपूर मात्रा में जैविक खाद और कीटनाशक उपलब्ध है। इसके उपयोग से आपकी जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा, खेती की लागत में भी कमी आएगी। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर और गौमूत्र की खरीदी करके जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का काम लगातार जारी है। इस योजना में हितग्राहियों को राशि का वितरण भी लगातार निश्चित समय में किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को 20 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का वितरण हम लोग कर रहे हैं। 16 मई से 31 मई तक के गौठानों में खरीदे गए गोबर के एवज में 4 करोड़ 91 लाख, गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख रुपए और स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 29 लाख रुपए के लाभांश राशि आज अंतरित की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को 15 मई से 23 की स्थिति में कुल 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आज 5 जून को 20 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 538 करोड़ 89 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत हमने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। प्रदेश में 10,409 गौठान निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 10,235 गौठान का निर्माण पूरा हो चुका है। 98% गौठान निर्मित हो चुके हैं। 4,584 गौठान ऐसे हैं जिसमें पिछले 15 दिनों में 30 क्विंटल या उससे अधिक गोबर खरीदी की गई है। इससे पूर्व के पखवाड़े की तुलना में इतनी अधिक मात्रा में गोबर खरीदने वाले गौठानों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। कुल गोबर खरीदी की बात करें तो पूर्व के पखवाड़े की तुलना में बीते पखवाड़े 46% की वृद्धि हुई है। 5,911 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठानों के द्वारा अब तक के गोबर खरीदी के एवज में कुल 53 करोड़ 80 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा चुका है।